वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी लोग हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने ब्लॉग को सुबह से, और हम लोग अपनी गाड़ियों को अभी धोने वाले हैं क्योंकि कल बरसात हो गई थी तो गाड़ियां गंदी हो चुकी हैं। वहां पे चलाई से देखो आप लोग पीछे देख सकते हो कितनी गंदी पीछे से हो गई। हम तो नकाई उठन और लहा दे रखा डालो राइट चिपट बोले। तो गाइज अभी लाइट चली गई है तो हम लोग का पोपट हो चुका है और हम गाड़ी नहीं धो पाएगी। तब देखते हैं थोड़ी देर में इंतजार करने के बाद, तो ऐसा करते हैं अभी आम के नीचे चलते हैं वहां पर और देखते हैं लाइट का इंतजार करते हैं। तो आइए चलते हैं। चलो तो गाइज चलते हैं। तो गाइस थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है और अभी लाइट यहाँ पे सुधारेगी, तो वही चलते हैं। और गाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है, बस आ चुकी है शायद, चलते हैं। ये खाता हुआ क्या खा रहे हो? खट्टा मीठा क्यों खा रहे? आपको खाना है तो बता दीजिए। बहुत मस्ती लगता है, एक नंबर। ऐसे ही बैठे हो? तुम बिना घर लिए हो? सुतना तो खा लिया, देखा खाने वाला हूँ, जल्दी से स्टार्ट हो जाए सब लोग। ये ना कि मार पा दियो, तो मोती ना मोती ना, पर ब्रेक ब्रेक है नहीं। हम ऐसे खड़ा खड़ा लाभ भरा लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग खेत में चलते हैं उन लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि वहां पर वो लोग हैं दूसरे साइड और यहां पर आया था उन लोगों को। तो हम लोग यहां पे चलते हैं, इस साइड है यहां पे। कहां से बुला रहा है? चलो इधर से चलते हैं, ठीक है? कहां से? इधर चलो यार। तो गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग न्यू ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोगों को हमारे ब्लॉग भी देखने चाहिए कि हम लोगों ने कैसे स्टार्टिंग की है और अब हम लोग कैसे ब्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग देखना हम लोगों के ब्लॉग कैसे लगते हैं और आप लोग बताना। और ब्लॉग वायरल करने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट ब्लॉग है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोगों को देखने में कुछ मजा आए, ठीक है ना? अगर आप लोग ब्लॉग को ठीक तरीके से बनाते हो ना, तो अब वो हर तरीके से चलता है। अगर हम लोग का शुरुआत में ब्लॉग क्या था कि नहीं चला था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसमें ग्रोथ हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले थोड़ा बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं थी, लेकिन अब थोड़े सब्सक्राइबर बड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार आप लोग ये मत सोचा करो कि आप लोगों के सब्सक्राइबर कम है या नहीं है, ब्लॉग वायरल हो जाए एकदम से, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को धीरे धीरे कंटिन्यू वो चीज करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो आप लोग जब धीरे धीरे ब्लॉग को स्टार्टिंग करोगे, मैं ये कहता हूँ कि आप पर डे ब्लॉग मत डालो, दो तीन दिन में, एक दिन में कंफर्म, एक एक दो दिन का गैप लेके डाल दे रहो। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का कंटिन्यू बना भी रहेगा और आप लोगों के ब्लॉग भी जाते रहेंगे। किसी न किसी दिन तो आप लोगों का ब्लॉग होगा। तो आप ये मत सोचो कि मेरा एकदम से हो जाए, ये ब्लॉग चल जाए, तो क्या होता है उससे ऑडियंस नहीं बन पाती। लोग तो आते हैं लेकिन ऑडियंस नहीं उस पर आ पाती है, सब्सक्राइब नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग डालने हैं, और वो कैसे डालने हैं कि एक एक दो दो दिन दिन छोड़ के। तो आप धीरे धीरे जाके जब आपके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक दो साल में बढ़ जाएंगे या फिर छह महीने में, जल्दी भी बढ़ जाते हैं, तो आप लोगों को ब्लॉग पे फोकस करना है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा बनना चाहिए, अच्छे गाने उसमें होने चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग बनाया करो। थैंक यू। और बस आज ब्लॉग यहीं पे होता है। थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है तो हम लोग बस चलते हैं। अब गाड़ी आने वाली है वहां पे, तो जाइए चलते हैं। तो गाइस वो लोग चले गए हैं अपना काम करके और गाड़ी भी बाहर टिकी हुई है, तो आइए चलते हैं वहां पर। आ रहा पीछे। गाड़ी जा रही है गाइस, थोड़ी देर में गाड़ी जा रही है और ये चली गई गाड़ी, और गाड़ी चली जा गई है।
आदमी थका हुआ आता है कैसे निकालता है, जब आदमी परेशान होता है और जब जब वो वॉशरूम जाता है और सब्सक्राइब नहीं कर रहा हमारा चैनल तो हमें मानने डांस कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं दिखा रहा हमारा चैनल सब्सक्राइब भाई जल्दी ठीक है नहीं दाम मार रहा अभी फॉलो भी नहीं कर रहा तुम्हारा भी ना पता ही भाई तो तारी का ओसे वो तो हमारा धंधा हो गया जो जो चलाता है ओके ये चाटी वाली हम ना कर भैया हम आई होप गाइज आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।